जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के पानी पहुंचाने की प्रक्रिया को लेकर कहा कि उत्तर प्रदेश अब देश के शीर्ष राज्यों में शामिल है। उन्होंने बताया कि मिशन के तहत अब तक 2,28,00,000 घरों में नल और जल सुविधा पहुंचाई जा चुकी है। मंत्री ने यह भी कहा कि 2027 तक जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य पूरा करना है और इस काम को सेवा भाव से पूरा करना है। जल जीवन मिशन जिससे हम लोगों ने मंत्री बने थे उस समय बहुत नीचे पायदान पर थे, 1.9 कहा जाए या नीचे पायदान पर थे। आज अधिकारियों के नीचे के सभी कर्मचारियों के जो टीम समूह या टीम भावना के कारण और परिश्रम के पराकाष्ठे के कारण आज देश के अंदर नंबर एक नल कनेक्शन और घरों तक पानी पहुंचाने में जो माननीय मोदी जी का योगी जी का सपना है आज वो उत्तर प्रदेश में साकार हो रहा है। और अपने जीवन में लोगों के जीवन के अंदर आमूलचूल परिवर्तन हो, पानी एक महत्वपूर्ण है। एक गरीब के घर तक पानी पहुंचना जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना रहता था कि पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान मिले, सम्मान मिले, भरपूर भोजन, रहने को छत मिले, वह कार्य आदरणीय मोदी जी योगी जी के नेतृत्व में राज्य के अंदर वह पूरा हो रहा है, जिसके कारण पानी हम लोगों को पहुँचाने के पीछे यह भी कारण है आज उसके जीवन में बदलाव आ रहा है, शिक्षा में बदलाव आ रहा है, स्वास्थ्य में बदलाव आ रहा है और महिलाएं घर की फ्री होकर बच्चों की चिंता कर पा रहे हैं। जो दूर दूर से पानी लाती थी बुंदेलखंड में, आज सभी घरों में नल का कनेक्शन है, नल का पानी पहुंच रहा है, इसलिए उनके जीवन में भी आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। उसी में जो परिश्रम की पराकाष्ठा अधिकारी कर्मचारियों ने किया है प्रमुख सचिव के आज नेतृत्व में, हम सभी ने उन सभी कर्मचारी और कंपनी के भी लोग जो अच्छा काम किए हैं वह सभी लोगों का सम्मान करने का अवसर हम लोगों को प्राप्त हुआ है और उसी कार्यक्रम में आज मैं भाग लिया था।